Hello students, this is your poem, The Wonderful World. We have done the summary and we have done the MCQ question. We have done the word meaning also. So, today we will discuss about the question answers. Okay. Now, I am going to share the page, the question answers of your book. Yes, this is your first question of your poem. Why does the poet say that the world is beautifully dressed? Poet ne aisa kyun kaha hai ki jo world ne bahut hi sundar dress wear ki hui hai. So the answer will be here. The poet says that the world is beautifully dressed because it has water and green grass around it. क्योंकि ये बहुत ही सुंदर इसने ड्रेस वेयर करी है, जैसे कि वाटर और ग्रीन ग्रास चारों साइड आपने देखा होगा, अर्थ की चारों साइड है, तो वो इट्स लुक लाइक अ ड्रेस. Now see the second question. List down four things that the air does in the poem. तो इस कविता में हवा के चार कौन कौन से काम जो है पोएट ने पोएम में डिस्क्राइब करे हैं. The four things the air does are: it shakes the tree, ये पेड़ों को हिलाती है हवा. It walks on the water, ये जो है वाटर पर चलती है. It drills the mills, और ये जो है पवन चक्की के रूप में भी चलती है, जैसे देखा होगा रोटेट करते हुए मूव करती हुई. इट टॉक्स टू इटसेल्फ, और कभी कभार ये जो है खुद से बातें भी करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द पोएट कॉल्स द अर्थ फ्रेंडली. जो पोएट ने है, आपको क्या लगता है कि पोएट ने यहाँ पे अर्थ को फ्रेंडली क्यों कहा है. The poet calls the earth friendly because it makes life possible on it. Poet ने यहाँ पर अर्थ को friendly इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है वो life को possible बनाती है. It gives food and water, ये हमें भोजन देती है और पानी देती है. It gives everything to the people living on it, और ये जो है हर वो चीज देती है जो एक इंसान को जीने के लिए जरूरी होती है. So see the next question. This is your next question, fourth. Think of two more adjectives to describe the earth. आपको जो है adjectives बताने हैं जो earth के बारे में describe करते हैं. दो adjectives. So first is generous and second is helpful. So generous means जैसे दानी लोग होते हैं, ठीक है, एंड हेल्पफुल. दिस इज ऑल्सो द एडजेक्टिव्स ऑफ द अर्थ. नाउ फिफ्थ इज व्हाट फ्लोज अपॉन द अर्थ. पानी के ऊपर क्या बहता है इधर यहाँ पे, सॉरी अर्थ के ऊपर, एयर, रिवर्स, ग्रास या क्लिफ. सो रिवर, रिवर फ्लोज अपॉन द अर्थ. नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स. Who does the following? Shakes the tree. पेड़ों को कौन हिला रहा था, एयर या विंड. सो विंड, विंड विल बी द आंसर हियर. नोड्स ऑन द अर्थ, यहाँ पे गर्दन हिलाते हुए कौन नजर आ रहा था अर्थ पर, ग्रास या व्हीट फील्ड. यस, व्हीट फील्ड विल द आंसर, विल बी द आंसर. नाउ सी कर्ल्स अराउंड द अर्थ. सो यहाँ पे कर्ल्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों साइड कर्ल्स करते हुए यहाँ पे कौन नजर आ रहा था, टू बी इन अ सर्कुलर पोजिशन. कर्ल मीन्स टू बी इन अ सर्कुलर पोजिशन में. वाटर या विंड, यस वाटर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड यू. क्या डिफरेंस है आप में और अर्थ में. द अर्थ इज ग्रीन, यू आर नॉट. आपको सही ऑप्शन सुनिए इसमें से, अर्थ जो है ग्रीन है और आप नहीं. द अर्थ इज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, यू आर नॉट. अर्थ ने जो है ब्यूटिफुल ड्रेस वेयर किया हुआ है या
और आपने लिखी यू कैन थिंक बट द अर्थ कैन नॉट, आप सोच सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं। यू आर स्मॉल बट द अर्थ इज बिग, आप बहुत छोटे हैं लेकिन अर्थ बहुत बड़ी। यू मे चूज मोर देन वन ऑप्शन, आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी यू कैन थिंक बट द अर्थ कैन नॉट। सही क्या है कि आप सोच सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं सोच सकती। यू आर स्मॉल बट द अर्थ इज बिग, अर्थ जो है क्या है बड़ी है लेकिन आप जो है बहुत ही स्मॉल हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर यू हैव टू फाइंड थ्री पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम। तो आपको जो है यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं पोएम से, उनकी आपको तीन वर्ड्स लिखने हैं और उनके पेयर राइमिंग वर्ड्स भी उनके साथ लिखने हैं। सो वर्ल्ड एंड कर्ल showing the rhyming words, words के last पे जैसे alphabet as you can see are the same here, world d and do, so world and curl, breast and dressed, males and hills, so these are the rhyming words. Hope you understand all the answers with questions. Okay, bye bye to everyone.